हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम फैशन स्टार, मैं हूं आपकी दोस्त शकुन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आपके सामने हाजिर हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर के, और आज का वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एक आपके साथ में एक गेम जैसा खेलने वाली हूं, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूं कुछ कपड़े जिसमें मैंने लोवर एक साइड रखे हुए हैं और अपर एक साइड, यानी कि मिक्स एंड मैच का इसमें खेल चलेगा। उसमें आपको दो तरह से फायदे होने वाले, एक तो आपको पता चल जाएगा कि किस कलर के साथ किस कलर की ड्रेस जा सकती है, या फिर किस तरह की लोवर के साथ में किस तरह का अपर चलेगा, और दूसरी चीज़ आपको ये खेल में मज़ा बहुत आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ लोवर्स जो मैंने रेंडमली पिक कर लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में, जैसे कि ये इसका ये जो हैं अलग अलग हैं, ये पैटर्न भी, ये स्कर्ट है, ये जींस है, ये एक प्लाजो है, ये एक पैंट है, ये भी एक प्लाजो ही है। तो ये हैं मेरे कुछ लोवर्स जो मैंने चूज़ किए हैं। और एंड ऑन दी अदर हैंड मैंने लिए हैं ये कुछ टॉप्स हैं, अपर्स कह सकते हैं आप, इसमें कुर्ती भी हैं, श्रग जैसा भी है, सब कुछ इसमें मिक्स एंड मैच आपको दिख रहा है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन सबको रख दूंगी एक साथ, और इसमें से ब्लाइंड फोल्ड होगा, इसको मैं आंखें बंद करके अपनी आंखों पे बांध करके पट्टी, और दूसरी तरफ फेस करके मैं फाइंड आउट करूंगी प्रोडक्ट को, जिससे कि आप लोगों को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ मैं इसको बिना देखे ही कर रही हूँ। और उसके बाद में मैं आपको वो ड्रेस पेयर अप करके दिखाऊंगी कि वो कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। मुझे सुनने में या फिर सोचने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वीडियो, आई होप आपको भी पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं फिर कुछ और इसी तरह का फ़न इस तरह की वीडियो लेकर के आऊँगी थोड़ी सी। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। मैं बांधती हूँ अपनी आँखों पर पट्टी, और उसके बाद मैं चूज़ करती हूँ आपको फर्स्ट ड्रेस। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये ले लिया है मैंने एक कपड़ा, देखिए काफ़ी बड़ा कपड़ा है, और मैं इसको 3-4 टाइम इवन ज़्यादा टाइम फोल्ड करके इसको करूँगी, जिससे कि ये सी थ्रू इसमें से बिल्कुल भी ना रहे और आप लोगों को ट्रस्ट हो। तो चलिए मैं जल्दी से इसको फोल्ड करके अपनी आंखों पे बांध लेती हूँ, और मैं वैसे भी दूसरी तरफ मुंह करके पिक करने वाली हूँ चीज़ें, तो आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट खोने की जरूरत नहीं है मेरे पास से, ठीक है। एक अपर, हाँ अच्छा ले लिया मैंने अपर, ठीक है। अब इसके साथ में एक मुझे लोअर लेना है। हाँ लो। तो देखते हैं क्या लिया है मैंने। ये कुर्ती श्रग जैसा है, और इसके साथ में ये है एक स्कर्ट। अब मैंने जल्दी से पैर अप करके आया, तो ये है पहला जिसमें मैंने ये श्रग जैसा है एक, ये पूरा फंक्शनेबल बटन्स हैं, और ये एक स्कर्ट है जिसके साथ मैंने इसको पेयर किया है। मैं चाहूँ तो इसे बंद भी कर सकती हूँ, तो ये पूरी कुर्ती तैयार हो जाएगी। ये मैंने बहुत टाइम से ड्रेसेस नहीं पहनी है, मुझे आ नहीं रही थी, अब वापस आने लगी है, इसीलिए ये ड्रेस तो अनप्रेस्ड है, बट आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है लुक। तो अब हम उठाते हैं नेक्स्ट। तो इसमें से ये क्या है, ये अपर्स हैं, ये अपर्स हैं, ओके। तो इनमें से देखते हैं, ये एक अपर उठाया मैंने, क्या है, और एक मैं लोअर उठा लेती हूँ, कौन सा ले सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा शफल कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं, ठीक है। और अब मैं इनमें से कोई भी एक उठा लेती हूँ, जो भी आया हाथ में। अभी आप पट्टी खोल लो। हाँ अभी पट्टी खोल देती हूँ, भूल गई। ओ ये दोनों पता नहीं कैसे, ये है फाइनल लुक। ये एक पैंट प्लाजो है, और ये साथ में मैंने टॉप पहना है, ये भी बहुत टाइम से रखे हुए हैं, मैंने पहने नहीं है ड्रेसेस। तो ये आप देख सकते हैं लुक कैसा आ रहा है कैमरा में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैमरा में अच्छा लग रहा है, तो रियल में पता नहीं कैसा लग रहा है। मुझे नहीं लगता मैं इसे पहन के बाहर नहीं जाऊँगी, ये मैंने बस यहाँ पहन के दिखा दिया वीडियो में। नो आपने क्योंकि पट्टी बांध ली ऑलमोस्ट। ओके मैं इनमें से ले लेती हूँ कोई भी एक ड्रेस जो मेरे हाथ में आई है, और अब मैं इसके साथ में लेती हूँ एक लोवर, इधर से यहीं पर है ना लोवर।
ये दोनों मैं इनको पहन के आती हूँ। ये है नेक्स्ट लुक, ये कैसा लग रहा है? जींस के साथ में ये तो अच्छे लग रहा होगा आई थिंक, ये एक शॉर्ट कुर्ती जैसी, उसमें और थोड़ी शॉर्ट होती है कुर्ती एक्चुअली, है ना? ये कैसा लग रहा है आप मुझे बता सकते हैं जींस के साथ में? ओवरऑल लुक मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ मैं पहन के जा सकती हूँ बाहर, किस तरह का लुक है तो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट जल्दी से उठाते हैं, वन स्टार्ट। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है, कहाँ पर है लोवर्स? ये अपर्स हैं, शफल कट तो लूं, ये उठा लिया मैंने फर्स्ट। और लोवर किधर है? लोवर उस साइड है, ये गलत साइड है, हाँ इधर। चलो तो ये दोनों लेकर के जा रही हूँ मैं, अब पट्टी तो खोलो। अब ये दोनों, वाओ ये दोनों तो शायद अच्छे लगेंगे, पहन के देखते हैं। नहीं सेट नहीं है ये, तो मैंने नया सिलवाया है पैंट, और ये कुर्ती बहुत पुरानी है इसको मैं पहन रही थी, लेकिन ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लुक बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें जो वाइट प्रिंट आया हुआ है उसकी वजह से ये साथ में जा रही है इसके पैंट, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो पैरेट ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा है इसमें, हालांकि नेवी ब्लू प्रिंट भी है तो उसके साथ नेवी ब्लू भी चलेगा, बट ये वाइट के साथ ही बहुत ऑफ वाइट, एक्चुअली ये ऑफ वाइट है, इसके साथ ही बहुत अच्छा जा रहा है। तो ओवरऑल लुक आपको दिख रहा है तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ये लुक अच्छा लग रहा है, लग रहा है इसके साथ में रेड भी अच्छा लगता, बट मुझे ऑफ वाइट भी अच्छा लग रहा है जो हाथ में। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है, और अब मेरे पास में बचा है सिर्फ एक लोवर, और मेरे पास में दो कुर्ती है वहाँ पर, अपर दो हैं, तो अब देखते हैं दोनों में से क्या मेरे हाथ में आता है और कैसा रहता है इनका कॉम्बिनेशन। तो चलिए उठाते हैं लास्ट पीस। हाँ मैंने, चलो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो लोवर तो डेफिनेटली मेरे हाथ में ये आ गया है एक, अब इसके साथ में जो मेरे साथ आती है हाथ में, और अब मैं देखती हूँ क्या आया हाथ में, बस शॉर्ट कुर्ती ना ही हो। हाँ ये दोनों तो ठीक लग रहे हैं, बाय बाय। तो ये है फाइनल लुक, ये है रेड कलर का प्लाजो और इसके साथ में ये क्रेप का कुर्ता जो मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि क्रेप मटेरियल है, समर्स में मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है, और विंटर्स में इसकी स्लीव्स हाफ हो जाती है इस वजह से नहीं पहनती। तो ये तो ओवरऑल एक अच्छा लुक लग रहा है, ऑब्वियसली इसके साथ में रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, मैं इसके साथ में लेगिंग डालती हूँ रेड कलर की मोस्टली, या फिर बेज कलर की जब भी पहनती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रेड के साथ में। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बता सकते हैं। तो ये है फाइनल लास्ट ड्रेस, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का चैलेंज। दोस्तों ये था एक बहुत ही अच्छा चैलेंज, जो आप किसी बर्थडे पार्टी में भी कुछ इस तरह का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे तो उसमें उन्होंने, मैंने मोस्टली एथनिक वेयर लिए क्योंकि मैं उस तरह की ही ड्रेसेस पहनना पसंद करती हूँ, ये जो एक दो मैंने टॉप पहन लिए हुए थे वो मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ मैं एथनिक वेयर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो आपको इनमें से कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी और ये वीडियो कितना अच्छा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, वो देखते हैं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता है, सरप्राइज 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 हो सकता है वो आपके लिए। रुको 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 रुको, कमेंट जरूर कर देना मेरे वीडियो पर, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या अच्छा लगा और क्या बेकार लगा। और हाँ आप सबको एडवांस में हैप्पी होली मेरी तरफ से। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।